ऐसे कुछ भी गिवन है आपको। तो अब अगर इसका मीन निकालना था वो करना पड़ता है पहले एफ आई एक्स आई, क्या करना पड़ता है एफ आई एक्स आई। तो दो पांच इंटू दो कितना हो गया दस, तीस, साठ, साठ, एक सौ पच्चीस, सही है आपने एफ आई एक्स आई करा। अब फॉर्मुला फॉर मीन क्या होता है आपके पास, सेकेंड फॉर्मुला फॉर मीन, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन द समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बताओ ये कितना है, 120, 50, 60, 285, और यहां पे कितना है मेरे ख्याल से 10, 5, 15, 17, 70। तो इसका मीन क्या निकलेगा, 285 डिवाइड बाय व्हाट, 17। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं काटोगे तो ये बंजा तो आएगा, बंजा फिर वैसे कह रहा है 115, 16 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ जाएगा मीन, 16.4 है 16.5 आपका क्या आ जाएगा इसका मीन, कि कौन सी सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर मैं देखो थोड़ा सिखाऊं, अगर मैं आगे बढ़ूं कि मेरे को कंटिन्यूअस सीरीज में करना है तो मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और देखो फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 5, 3, लेट्स से अगेन 5। अब इसका पहले आपको क्या निकालना पड़ता है एक्स आई, क्या निकालना पड़ता है एक्स आई, एक्स आई का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू 5, 15, 25, 30। अब अगर मैं एफ आई एक्स आई निकालूं तो कितना है 225 कितना हुआ 10, 75। अब अपन बात करते हैं 175, तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है ये आएगा शायद 250, 325, 335 कितना गया 335, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और कितना है 15। अगेन मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना होगा 335 अपॉन में कितना 15, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 2 से 35, 22.33 इसका मीन आ जाएगा। तो अपन ने तीन सीरीज में मीन निकालना सीखा, एक था इंडिविजुअल सीरीज, देन था डिस्क्रीट सीरीज, देन था कंटिन्यूअस सीरीज। सर क्या ऐसे टुच्चे क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं, इतने टुच्चे तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इससे आगे लेवल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मीन के अंदर ही वो आ सकता है। क्या पहले यहां तक का सबको क्लियर हो गया, तो बेसिक था, अगर मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊं तो मेरे को आपको सेकेंड लेवल पे सिखाना है पहले तो कंबाइंड मीन, क्या सिखाना है मेरे को आपको, ये एग्जाम्स में अच्छा खासा है। बाय कंबाइंड मीन आई मीन मेरे पास पहले फॉर्मूला है एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू। समझाने के पहले मैं आपको समझा रहा हूं, हमें सेक्शन ए है, सेक्शन ए है हमारे स्कूल में, सेक्शन ए में बच्चे हैं 40, कितने स्टूडेंट्स हैं 40, और उनके एवरेज मार्क्स इस बार आए 52, उनके सबके एवरेज मार्क्स कितना है, मतलब इन 40 बच्चों का मैम ने एवरेज निकाल के दिया कि हमारे क्लास के बच्चों ने एवरेज कितना स्कोर करा है 52। क्लास सेक्शन बी है उसमें 60 बच्चे, वहां के बच्चों का एवरेज स्कोर था 45, कितना था 45। तो अब सर ने पूछा कि मेरे को सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों बच्चों का कंबाइंड एवरेज दो, क्या दो कंबाइंड एवरेज। तो हम लोग कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू। बाय एन वन आई मीन नंबर, बाय एक्स वन आई मीन मीन, मीन वन मीन टू। तो सर इसका ऊपर कैसे बनेगा, तो बेटा देख 40 इंटू कितना बेटा 52 प्लस 60 इंटू कितना बेटा 45 अपॉन में 40 प्लस 60। अगर तू ढंग से देखेगा तो शायद ये आएगा 2080 प्लस, अगर वहां पे करेगा तो 2700 डिवाइड बाय कितना 100। तो जितना मेरे को आ रहा है वो आ रहा है 4780 अपॉन में 100, 00 कैंसिल, 47.8 इज द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द सेक्शंस, 47.8 इज द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द सेक्शंस। अगर मैं देखो और बताऊं कि सर क्या ये दो से ज्यादा बार भी हो सकता है, हाँ अगर मैं तुमको बोलूं कि इस जगह हमारे पास क्लास में तीन सेक्शंस थे, अगर मैं तुमको बोलूं कि सेक्शन ए में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज अगर 28, सेक्शन बी में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज था 25, सेक्शन सी में लेट से हमारे पास अगेन तुम मान लो 70-80 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज था 30।
अब आपको बोला है कि तीनों सेक्शन का कंबाइंड एवरेज निकालो, तो हाउ डू यू फाइंड द कंबाइंड एवरेज? तो सर कंबाइंड एवरेज के लिए आप करोगे क्या इस बार बेटा? कंबाइंड एवरेज इस बार कुछ ऐसे आएगा, एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू प्लस एन थ्री एक्स थ्री अपॉन में व्हाट है, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। अब अगर आपको ढंग से देखे तो सॉल्व कैसे होगा बेटा, 30 इंटू 28 प्लस 40 इंटू 25 प्लस 80 इंटू 30, दिस होल अपॉन में 30 प्लस 40 प्लस 80। जो भी सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड एवरेज। क्या मिल जाएगा? कंबाइंड एवरेज। तो क्या सर ये एग्जाम में आता है? हाँ, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव में लॉजिकल रीजनिंग के नाम पे भी दे देते हैं, बहुत बार मैथमेटिक्स के नाम पे देते हैं। तो ये एक एनोनिमस टॉपिक है जो बहुत इजीली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो सेक्शन थे, इस सेक्शन के इतने अच्छे। सर एग्जाम में क्वेश्चन कितने अच्छे फिगर्स वाला नहीं आता है, वो होता है कि यहाँ का 28.8 25.4, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर देते हैं, टफ कर देते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे आप देखोगे, सीईटी में भी देखोगे, क्लैट में भी देखोगे, आईएचएम में भी देखोगे, आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो। सर इसके अलावा बेटा एक तीसरा टॉपिक देखो बहुत अच्छे से करना चाहता हूं, वो हमारे पास होता है करेक्टेड मीन। सर करेक्टेड मीन कैसे आता है, क्वेश्चन को क्या जाता है अगर मैं तुमको बताऊं, तो पहली बात तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करेक्टेड मीन? तो मेरा पर्सनल बनाया हुआ फॉर्मूला है करेक्टेड मीन का, जो अपन खुद करते हैं, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू रॉन्ग मीन प्लस राइट माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अपॉन में एन, राइट माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अपॉन में एन। सर व्हाट वाज द क्वेश्चन, आता कैसा है? ऐसा क्वेश्चन आता है, मीन ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज फाउंड टू बी 11, फाउंड टू बी 11, बट लेटर ऑन एन आइटम was recorded as 21 instead of 12। अब इसका मतलब क्या, आपने क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, उनका आपने मीन निकाल लिया और मीन निकाल के कितना आ गया 20, आपका मीन निकाल कितना आ गया 11। लेकिन बाद में मालूम पड़ा एक जिस बच्चे को 12 मार्क आए थे, आपने उसको रिकॉर्ड कितना कर लिया 21। इसमें राइट क्या है, एन आइटम वॉज रिकॉर्डेड एज 21, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, रॉन्ग इंस्टेड ऑफ व्हाट 12, तो राइट क्या है बस 12। तो अब बोला है क्लास का रिकरेक्ट करो, राइट मीन क्या होगा क्लास का? तो जितना मुझे पता है मेरे पास करेक्टेड मीन इज इक्वल टू आई कैन यूज, आप थोड़ा देखिएगा बेटा, रॉन्ग मीन तुम्हारे पास कितना है, रॉन्ग मीन है तो बस 11, रॉन्ग मीन कितना था बस 11, रॉन्ग मीन क्या था बस 11 प्लस राइट माइनस रॉन्ग, राइट ऑब्जर्वेशन बस 12, रॉन्ग कितनी 21 अपॉन में कितना 20, तो सीधे तुम्हारा आंसर था 11 प्लस बी के अंदर माइनस 9/20। अगर ढंग से सॉल्व करोगे 9/20 को तो ये आएगा शायद माइनस 0.45 शायद, अगर आप ढंग से सॉल्व करोगे आपका राइट मीन आ जाएगा 10.5 कितना आ जाएगा 5। किसी बच्चे को इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन चाहिए तो बहुत बार ऐसा पूछते हैं आपसे एग्जाम में, एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वॉज फाउंड टू बी 48, वॉज फाउंड टू बी 48। इफ अ टीचर इज रिप्लेस्ड बाय आकाश ऑफ वेट 52, the average of class increased by 4, find the weight of teacher। बहुत प्यारा क्वेश्चन, find the weight of teacher। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात तो 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर बेटा, 50 बच्चों का फिलहाल एवरेज आ रहा था कितना 48। एक टीचर ने बोला आकाश तू हट मैं खड़ा हूं, तो आकाश हट गया टीचर आ गया। अब जो एवरेज आ चुका है वो पहले वाले एवरेज से 4 क्या है ज्यादा। अब सर आपको टीचर का एवरेज निकालना है, टीचर का सिर्फ अगले टीचर का वेट निकालना, तो कैसे निकालोगे? सर एक बात तो सोचो, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं करेक्टेड मीन का फॉर्मूला,
करेक्टेड मीन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रॉन्ग मीन प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन में कितना एन। तो बेटा तेरा करेक्टेड मीन मतलब तेरा नया मीन क्या 48 है कि 48 प्लस 4 है, 48 प्लस 4 क्योंकि अब टीचर आ गया और बच्चा हट गया, तो बच्चा वॉज रॉन्ग, बच्चा वॉज रॉन्ग, टीचर वॉज राइट। तो बेटा एक बात समझ, करेक्टेड मीन तेरा कितना हो गया 48 जो था उसमें 4 क्या हो गया प्लस रॉन्ग मीन तेरा कितना था 48 रॉन्ग मीन जो बैलेंस था। अब अगर टीचर आ गया तो टीचर इन आकाश आउट अपॉन में लोग कितने 50 अपॉन में लोग कितने बेटा 50, तो 48 प्लस 4 कितना हो गया 52। अगर इसको इधर ले लें तो माइनस आ जाएगा 52 माइनस 48 इज इक्वल टू, टीचर की तो एज नहीं पता बट आकाश का वेट पता है कितना है 52 अपॉन रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 50। तो अगर अपन ढंग से देंगे तो 52 माइनस 48 वुड बी व्हाट 4, इसको तो मल्टीप्लाई करा इनटू 50 इज इक्वल टू टीचर माइनस कितना 52, तो 4 इनटू 50 इज इक्वल टू कितना गया 200 प्लस 52। बेटा हो सकता है कोई मेरे से टीचर उसका वेट ही 252, तो टीचर का वेट कितना गया 252। एक नॉर्मल सी क्लास में टीचर के आ जाने से सब बच्चों का एवरेज वेट बढ़ गया 4 किलो से, इसका अगर टीचर कुछ ना कुछ तो भारी भरकम होगा सर, सिर्फ 4 किलो से बढ़ा, अरे बेटा 4 किलो से एक बच्चे का वेट नहीं बढ़ गया 50 बच्चों का वेट बढ़ गया, तो मतलब टीचर 200 के तो भारी है, आया था मैं कि नहीं है, बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। क्या आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में है? ये टाइप होता है आपकी कॉम्पिटिटर का कि आपको ऐसा बोल देंगे कि एक बंदा आया, एक बंदे ने स्टूडेंट को हटाया, उसके कारण पूरा एवरेज वेट बढ़ गया, अब बताओ उस बंदे का वेट क्या था, या आकाश जो बच्चा हटा उसका वेट क्या था। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। यहाँ पे आपका ऑफिशियली मीन जो वाला पार्ट है ये खत्म होता है, लेकिन इसमें मीन में एक बात ध्यान रखना हमेशा, पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बोलूंगा जिसपे एक प्रॉपर्टी ऑफ मीन आपको याद रखनी पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड हैज अनाउंस्ड एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स वॉज 82 बट ड्यू टू वन कंफ्यूजिंग या वन रॉन्ग क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ फर्दर 2 marks इज गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ क्लास 12। एवरेज बच्चों को 82 marks आए थे बट एक क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए उसके बेनिफिट 2 marks हर बच्चे को दे दिए गए हैं। अब तो नया एवरेज क्या हो जाए, तो आंसर वुड बी पुराने एवरेज में प्लस कर दो 2 इज इक्वल टू कितना 84। खत्म, पहला दिमाग क्या एक बच्चे के बढ़े कि हर बच्चे के बढ़े, हर बच्चे के बढ़े, ऐसा ना कि एक बच्चे के बढ़ा है। तो इससे प्रॉपर्टी मीन की सिखाना बहुत जरूरी है, इफ एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज, या मैं बोलूं टू ईच आइटम ऑफ अ सीरीज, देन मीन विल बी अफेक्टेड बाय सेम, मीन विल बी अफेक्टेड बाय सेम। अगर आपने सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए तो सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ गए, तो सारे बच्चों के मार्क्स कितने से बढ़े 2 से, तो मीन भी कितने से बढ़ेगा 2 से। अगर आपने सारे बच्चों के मार्क्स कम कर दिए होते 5 से, तो मीन भी कितने से कम होता 5 से। अगर आपने सारे बच्चों के मार्क्स मल्टीप्लाई कर दिए होते 2 से, तो मीन भी कितना होता डबल, समझ में। तो अगर आप किसी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो किसमें, मीन से, किससे, मीन से, तो विश्वास मानो एवरेज सॉरी किसी भी नंबर से तो एवरेज भी उसी से इफेक्ट होगा। आपको मैं एक लेवल आगे बढ़ना चाहता हूं, हमेशा आपसे बहुत बार अच्छी अच्छी कॉम्पिटिटर्स आपसे इस चीज का मतलब पूछती हैं। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को हटाऊं तो वो इस चीज का मतलब पूछना चाहती हैं बच्चों से, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक बात ध्यान रखना, व्हेन सम ऑफ डेविएशंस From mean is always zero,
अगर ऐसा कुछ एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए एक्स आई माइनस एक्स बार आ है नहीं है, तो हमेशा उसका आंसर क्या रहेगा, जीरो। सर एक्स बार का मतलब होता है मीन। सर थोड़ा समझा दो, अगर मैं तेरे को बोलूं कोई भी सीरीज देखो, देखो कि 5, 10, 15, 20, 25 इन सबका एवरेज अगर तुमको मालूम पड़ा क्या एवरेज, तुमको दिया 15, क्या एवरेज कितना दिया है 15, तो जो तुम सारी आइटम में से 15 माइनस करोगे तो जो नया सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो। अगर आप एग्जैक्ट मीन से माइनस कर रहे हो तो 5, 10, 15, 20, 25 का मीन 15 है, तो बताओ 5 माइनस 15 कितना हो, -10, -5, 0, 5 और 10, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, जीरो। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज जीरो, इज व्हाट, जीरो। सर थोड़ा मीन के अंदर और बताओ बेटा, मीन के अंदर और बताने का है कि अगर देखो कभी ज्योमेट्रिक मीन पूछ लिया, लेट्स से 2, 3, 5, 6 और 25, 12 का ज्योमेट्रिक मीन पूछा, तो वैसे तो इसका आप एग्जैक्ट आंसर निकाल नहीं सकते हो, बट कभी ज्योमेट्रिक मीन पूछा हो तो उसका आंसर होता है जितनी टर्म्स दी हुई है सबको मल्टीप्लाई करो 2 × 3 × 5 × 6 × 25 × 12 होल की पावर, कितनी टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल की पावर 1/6, होल की पावर कितना 1/6। तो अल्टीमेटली इसका या तो ऑप्शन में आंसर ऐसे दिया देगा या कुछ जोड़िया बना लो, जोड़िया कैसे बन पा रही है, 2 की जोड़ी कितनी है, यहाँ पे 2 × 3 है, हाँ कि ना, यहाँ पे कितना नंबर 2 × 2 × 3 है, तो ऐसे जोड़िया बना के, वरना इसका आंसर हमेशा कायम आएगा सर्ड्स में आएगा, कायम आएगा सर्ड्स मतलब रूट्स में आंसर आएगा, कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए एंड बी का तो सीधी बात है रूट ए बी, क्योंकि ए इंटू बी होल की पावर कितना 1/2, लेकिन उससे ज्यादा नंबर का कभी ज्योमेट्रिक मीन आ जाए, ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी होल की पावर कितना 1/2 या 1/n, बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या। चले अब बेटा एक बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानने की कि अगर मैं देखो नंबर दू ऐसे वाले 10, 12, 5, 8, 10 या 18, अब आपको इन टर्म्स का निकालना है मीडियन, क्या निकालना है आपको मीडियन, तो पहले बात तो मीडियन की पहली दरकार होती है, पहली दरकार होती है अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, विदाउट दैट यू कैन नॉट स्टार्ट आउट विद मीडियन, जब तक आपने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाया है आप मीडियन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट 5, 8, 10, 12, 18, ठीक है बेटा। अब मीडियन का मतलब ही बाय द मीनिंग इट इज मिड वैल्यू, इसका मतलब ही क्या होता है तुम बस मिड वैल्यू, तो मुझे बता अब इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये चेक कर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है कि इवन है, ऑड होता है तो खुशी की बात है, इवन होता है तो दुख की बात होती है, क्योंकि सब मीडियन में ऑड अगर होता है तो मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/12, आधा करना ना आधा टू एट टर्म, अब तू समझ। और अगर इवन होता है तो इवन के लिए फॉर्मूला ही बड़ा खतरनाक होता है, एन बाय टू एट टर्म प्लस एन बाय टू प्लस 1/8 टर्म डिवाइड बाय कितना 2। तो सर आप इसमें क्या बताना चाह रहे हो बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूं कितनी टर्म्स है बेटा, बस 5, अगर 5 टर्म्स है तो 5 + 1/2 टर्म मतलब 6/2 टर्म मतलब कौन सी टर्म, थर्ड टर्म क्या है 10, तेरा मीडियन कितना आ गया। सर इवन होती तो बेटा इवन होती तो चल इसी में एक टर्म बढ़ा ले क्या अपन, अगर देखो मैं इसी में एक टर्म बढ़ाऊं 20, अब पता नंबर ऑफ टर्म कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ टर्म कितने 6, तो 6 में अगर इवन 6 मतलब 6/2, 6/2 भी टर्म मतलब कौन सी टर्म थर्ड टर्म प्लस 6/2 + 1 भी टर्म डिवाइड बाय कितना 2, इतना चिंता मत कर मेरे पास एक ट्रिक है, 6 टर्म है ना, 6 का आधा कौन सा थर्ड टर्म प्लस के बाद आई फोर्थ टर्म डिवाइड बाय कितना 2, तो बेटा थर्ड टर्म क्या है तेरे पास 10, बेटा फोर्थ टर्म तेरे पास क्या है 12 डिवाइड बाय कितना 2, तो 10 + 12 मतलब 22 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 11, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा 11। क्या सर इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की बॉल फेंक सकते हैं, हाँ यार इंडियन सीरीज में मीडियन की बॉल फेंक सकते हैं, मैंने इन आंखों से देखा है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए, समझना जरा मैं आपको थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन सिखाता हूं।
कि जो इन आंखों ने आपके पेपर्स में देखा है, ये देख रखा है आपको 2, 5, 3, x, x माइनस 2, 4, 6 2, 5, 7 आपको क्लियर बोल के रखा है कि सीरीज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ये क्यों बता, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फाइंड एक्स इफ मीडियन ऑफ गिवन सीरीज इज 12. मीडियन कितना है, 12. मीडियन ऑफ सीरीज व्हाट, 12. तो मुझे एक बात बता, मेरे को तो मीडियन का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन इवन है तो फॉर्मूला लंबा लगेगा. टर्म्स कितनी बोल, 8 है, तो 8 का आधा कितना, 14. तो चौथी टर्म प्लस पांचवी टर्म डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा तेरा, मीडियन. तो चौथी प्लस पांचवी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 12. चौथी टर्म के पास क्या है, x. पांचवी क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 24. तो 2x इज इक्वल टू कितना, 24. x इज इक्वल टू कितना, 12. तो वैल्यू ऑफ x कितने है तेरे पास, 12. सही है, देख ले, 22. तो 22 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 11. तो बेटा तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारे पास 11. x की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या सर ऐसा x निकालने के लिए आ सकता है, हाँ सर. ये तेरे को तब समझ में आएगा बेटा जब तेरे को ये फॉर्मूला याद होगा कि मीडियन का इवन नंबर में दो मिडिल टर्म का क्या लेते हैं, एवरेज. मिडिल टर्म क्या लेते हैं, एवरेज. अच्छा व्हाट इफ, व्हाट इफ एक बड़ा क्वेश्चन है, द मीडियन सीधी आई क्वेश्चन बताऊ, बढ़िया, जो अगेन एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है. 2, 5, 8, 7, 6, 3 2, 5, 8, 10, 12, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 मान लो, 17 कुछ ही मान, ठीक है ना. What will be the new median? The median of the given series. The median of the given series. कितना होगा मेरे पास? कितना से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो number of terms क्या है? Odd. Odd में formula क्या होता है? N plus 1 by 2 to 8 term. ये odd होता है शायद. तो शायद 7 plus 1 by 2 to 8 term कौन सी बेटा बताओ? Fourth term पे क्या आ रहा है? 10. तो normally median तुम्हारा क्या आ गया? 10. Thank you. क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है व्हाट इफ एफ 2 इज रिप्लेस्ड बाय